धवा कुंज विहारे राधा जय राधा माधव कुंज विहारी बोलो जय राधा जोर से बोलो सब जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा मंदिर बिहारी राधा मंदिर बिहारी राधे जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय श्री राधा पांडे बिहारी भगवान की जय हरे कृष्णा। तो अभी हम सभी बहुत ही पवित्र स्थान में जहाँ पे भगवान अपने अन्यतम अधिक से अधिक लीला को वृंदावन में इस निर्दिष्ट भांडीर वन के अंदर प्रदर्शित किए हैं, तो उसी पवित्र भांडीर वन के अंदर हम लोग हैं। हरी वाह। तो 12 वन है वृंदावन में, उनमें से अन्यतम श्रेष्ठ है भांडीर वन, और इस भांडीर वन में भगवान बहुत सारे लीलाएं किए हैं। तो इस भांडीर वन का ऐसा वर्णन है कि यहाँ पे कृष्ण भांडीर जो वट है, वट वृक्ष बहुत पहले यहाँ पे थे, बहुत सारा मात्रा में यहाँ पे चारों तरफ थे, और उसका वर्णन शास्त्र में ऐसा किया गया है कि एक एक जो वट वृक्ष था वो सभी इतने विशालकाय थे कि जो दिखने में एक एक पर्वत सदृश था, और जो कि यमुना के ऊपर से था। तो कृष्ण दौड़ के जाते थे उस सभी वृक्षों के ऊपर से और गोपसखाओं के सहित, और कृष्ण बैठ के भोजन करते थे। वो स्थली है, वो स्थान है जहाँ पे पूरा दिन गोचारण करने के बाद कृष्ण आके बैठ के अपने गोपसखाओं के सहित भोजन ग्रहण करते थे, और सभी गोपियाँ भी आती थी। तो कृष्ण वेणु निनाद करते थे, भोजन ग्रहण करते थे, अट्टहास करते थे, नृत्य करते थे, और ऐसे वो लोग क्या करते थे, एक पैर से दूसरे पैर में जाते थे, आनंदित होके सब गोप सखाओं के संग कृष्ण विभिन्न प्रकार के मधुर लीलाओं को प्रदर्शित किए इसी स्थान। बताया गया है ऐसा कि इस स्थान में ही कृष्ण वित्रासुर
नाम के राक्षस और प्रलम्बासुर नाम के राक्षस का वध किया था। ये दोनों ही बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली राक्षस थे। तो कृष्ण बलराम दोनों मिलित होके इस स्थान में इन दोनों राक्षसों का वध किया। और एक हम सभी के मन में प्रश्न रहता है जो कि बहुत समय लोग पूछते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था कि नहीं, राधा कृष्ण के अंदर जो संपर्क है इसके बारे में भी बहुत समय लोग के अंदर बहुत प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो राधा कृष्ण का विवाह हुआ था कौन से जगह में, हम लोग बताते हैं भंडीर वन। तो भंडीर वन कौन सा है, यही वाला वन, द्वादश वन में एक वन। तो अभी उसी पवित्र भगवान साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के विवाह स्थली वहाँ पे हम लोग उपस्थित हरी वो हरी वो। तो आगे हम लोग साक्षात भगवान के प्राचीन मंदिर उसके विवाह स्थली के दर्शन किए, जहाँ पे जो विग्रह है उस विग्रह का बहुत ही खास एक सिग्निफिकेंस है। कैसा है वो जो विग्रह है, उसमें कृष्ण हाथ में बांसुरी नहीं पकड़े हैं। हाथ में हाथ देखोगे आप क्या है, हाथ से वो राधा रानी को सिंदूर पहना रहे हैं। ये दुर्लभ है, ऐसा आपको दुनिया में कहीं में नहीं मिलेगा। ये एकमात्र ऐसा विग्रह है कि कृष्ण सिंदूर पहना रहे हैं इसको राधा रानी, क्योंकि विवाह हुआ और इस विवाह कार्य को संपादन कौन करवाए, साक्षात ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी आए थे आके राधा कृष्ण के विवाह को संपन्न किया। यहाँ पे ऐसा भी बताया जाता है कि जब बड़े बड़े बहुत वटवृक्ष रहते थे वो यमुना के ऊपर से ब्रिज के जैसे बना लिए थे चारों तरफ से ढक के, और उसके ऊपर से कृष्ण दौड़ दौड़ के यमुना पार करते थे। तो उस समय कृष्ण अपने सभी गोप सखाओ और गोपीगण के आनंदवर्धन के लिए बहुत प्रकार के मनोरम बांसुरी वेणु निनाद करते थे, और उसका भी वर्णन ऐसा ऐसा है, आगे हम लोग जाएंगे जो हमारे रासस्थली वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे भगवान वहाँ वेणु निनाद करके सभी गोपियों को गोप सखाओं को धेनुवत्सगण संपूर्ण वृंदावन को मोहित करते थे उस स्थान में जाएंगे। तो यहाँ पे भी कृष्ण आकर्षित करते थे सभी, तो गोपीगण भी आती थी, वो लोग भी बैठ के सभी घर से विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन बना के लाई हैं वो लोग परोसती थी, ग्रहण करती थी, गोपसखाओं को भी देती थी, और गोपसखाएं उनके माताएं जो कुछ भी उनके घर से बना के भेजती थी तो उन सबको वो लेके कृष्ण को अर्पण करते थे, कृष्ण ग्रहण करते थे इसी स्थान पर। तो बताया ऐसा क्या है कि यहाँ पे गोपियों के सहित कृष्ण मल्ल युद्ध भी किए, हरी वो। तो गोप सखा और गोपियाँ मिलके वो मल्ल युद्ध भी करते थे। ये तो कृष्ण है, तो कृष्ण का सब कुछ यूनिक होगा। तो कृष्ण ऐसे भी आनंद वर्धन किए, तो गोपियाँ इतना परम शक्तिशाली थी कि एक एक गोपी दस दस गोप सखाओं को अकेले ही पटक देती थी। तो राधा रानी भी कृष्ण को एकदम कृष्ण को शक्ति दिखा दी कि राधा रानी का शक्ति सबसे ज्यादा है, तो राधा रानी पकड़ के एकदम कृष्ण को पकड़ यहाँ पे पलट दी थी एकदम, जो मल्ल युद्ध होता है ना इधर उधर फेंक दी थी युद्ध करके, इतना शक्ति है। और देखो शास्त्र के अनुसार शक्तिमान जो होता है वो शक्तिमान क्यों कहलाता है, उसके अंदर शक्ति रहता है उसके माध्यम से शक्तिमान कहलाता है। तो राधा रानी है वो शक्ति, और कृष्ण राधा रानी के शक्ति से शक्तिमान है। शक्ति के अलावा कृष्ण का कोई शक्तिमान बोलेगा नहीं बोलेगा, राधा रानी की उपस्थिति से ही कृष्ण सब कुछ है, ये सब हम लोग समझ सकते हैं वृंदावन आके, अन्यथा से शास्त्र से हम लोग जानते हैं कृष्ण ही परम ब्रह्म, कृष्ण ही परम ब्रह्म भगवान है। अरे कृष्ण कौन है, कृष्ण को जान पाएंगे राधा रानी के द्वारा ब्रज में आके। और ऐसा हुआ था कि कृष्ण जब वत्सासुर को वध किए थे तो उसको वध करना भी राधा रानी ने बताया कि एक गो प्रजाति के अंदर ही इसको आपने वध किया तो आपके ऊपर
एक गोहत्या जनित जैसे पाप को आप धारण किए हुए हैं, तो इसलिए आपको पवित्र कुंड में नहाना पड़ेगा, सभी पवित्र तीर्थों में। जैसे कि हम लोग ने श्याम कुंड में देखा था, तो राधा रानी फिर से यहाँ पे बोली कि आपने फिर से गलती किया, अभी क्या, अभी बच्चासुर को जो मारा तो भी वो भी गाभी के जैसे स्वरूप में थे, तो अभी आपको फिर से शुद्ध होना है, तो क्या करें। तो तब इसी स्थान में कृष्ण क्या किए, अपने हाथ के बांसुरी को लेके यहाँ पे जमीन में गाड़े और खोड़े, खोड़ने मात्र ही वहाँ पे तत्सनात सभी पवित्र तीर्थ गंगा, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि सब तीर्थ यहाँ पे आके प्रकट हो गए, जो कि एक वेणुकूप के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो कूप है इसको बोलते हैं वेणुकूप, क्योंकि वेणु कृष्ण के वेणु से बना, और यहाँ पे साक्षात भगवान खुद नहाए। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो सोचो कृष्ण नहा रहे खुद को शुद्ध करने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए। हरि वो कृष्ण को पाप से मुक्त होने का प्रयोजन है? अरे भगवान को पाप स्पर्श ही नहीं करता, क्या बोला गया है, भगवान को पाप स्पर्श ही नहीं करता। भगवान को स्पर्श कर सकता, छू ही नहीं सकता। तो भगवान के ऊपर जो पाप लगा उससे भगवान मुक्त होने के लिए लीला, ये सब लीला संपादन करने के लिए भगवान ने किया था। तो ललिता देवी सब आयोजन की थी विवाह का, भगवान का यहाँ पे जो भी आयोजन किया गया था उत्सव, हाँ सब उनके अधीन में थे। तो ललिता देवी ने कुंज सजाया, विवाह मंडप सजाया, साक्षी रखा और राधा रानी का श्रृंगार करवाया। सभी गोपीगण आई थी राधा रानी को लेके, और गोप सखागण सब कृष्ण को लेके श्रृंगार करवा के बैठे। तो राधा कृष्ण बैठे इसी स्थान पे, और यहाँ पे क्या हुआ, ये विवाह उत्सव ब्रह्मा जी साक्षात आके संपन्न किया। तो इतना खास जगह है, आई होप हमने मैक्सिमम जो जो यहाँ के लीलाएं हैं सब बता दी हैं। तो ये भगवान की इच्छा से संपन्न हुआ। और कृष्ण का जो मूर्ति है खास है कि कृष्ण साक्षात सिंदूर पहना रहे हैं, इसको श्रीमती राधा रानी को तो बताया गया है। और यहाँ पे और एक लीला है, अभी याद आ गया, ये लीला ऐसा है कि एक समय कृष्ण सब गोप सखाओं के सहित जब यहाँ पे आए थे, धेनु वत्स सब थे, तो उसमें अचानक से जो वन में आग लग गया, कृष्ण के सखा गोमाताओं और बछड़े के सहित सो रहे थे, और इतने में कृष्ण बांसुरी बजाते हुए बलराम के सहित बहुत दूर चले गए थे। और उस समय चारों तरफ से वन में दावानल आग लग गया, और इतना आग चारों तरफ फैल गया, गोप सखा लोग चिल्लाने लगे जोर जोर से कृष्णा कृष्णा बोल के, गो माता है उनके बछड़े सब कृष्ण को पुकारने लगे। तो तत्सनात कृष्ण क्या किए, कृष्ण इस भांडीर वन के अंदर चले आए और आके जो दावानल का आग था उसको पूरा पी लिए, हरी वो सब आग को ग्रास कर लिए, पी लिए, और पी के उस आग के तीव्र प्रकोप से सभी गोप सखाओं को, गो माताओं को और उनके बच्चों को उन्होंने मुक्त किया। तो उस समय गोप सखागण पुष्प वृष्टि करने लगे कृष्ण के ऊपर, कृष्ण का जय जयकार करने लगे। और ऐसा वर्णन है कि सभी गोप सखा अपने घर में जाके बोल रहे थे कि कृष्ण जानते हैं आज हम लोगों को ऐसे बचाए, कृष्ण माया भी है, कृष्ण के पास बहुत प्रकार के जादू हैं, कृष्ण ये सब जादू विद्या जानता है, कृष्ण ने कैसा करामात करके दिखाया, बहुत ही अद्भुत, कृष्ण सब आग को पी लिया। तो और घर के लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बालक गोप सखाए बोल रहे हैं जो कि कैसे संभव है कि कृष्ण के जो कि एक गोप पालक है वो कैसे आग को पी सकता है। लेकिन भगवान के सब अद्भुत कारामात जब भी गोप सखा देखते थे तो
वो लोग पूरे ब्रज में सभी को प्रचार करते थे कृष्ण के महिमा। तो कृष्ण ऐसे प्रतिदिन हजार हजार राक्षसों को बध करके रक्षा कर रहे हैं ब्रजवासियों को, और ये सब गोप सखा साक्षात दर्शन कर रहे हैं, वो लोग अनुभूति की। और जो ब्रज का न्यूज रहता था ना, प्रतिदिन का करंट न्यूज, वो यही था कि आज कृष्ण ने कितने राक्षसों को मारा, कैसे कैसे मारा, कैसे ब्रजवासियों को रक्षा किया, ये रहता था प्रतिदिन का खबर, आज का खबर, समझ रहे हैं? तो ब्रज में ये है भाव। तो कृष्ण ऐसे वन में लगे दावानल के अग्नि को पूरा ग्रास कर लिया। तो माना जाता है जो भी व्यक्ति इस स्थान में आके बहुत ही श्रद्धा के सहित गुरु के चरण में शरणागत होकर परंपरा के माध्यम से कृष्ण से प्रार्थना करता है, तो कृष्ण उसके हृदय में रहते जो मिथ्या अहंकार, पाप, दुराचार प्रवृत्ति और जितने भी प्रकार के ईर्ष्या, दंड, मोह आदि है, जो कि हमको दिवा रात्रि कष्ट दे रहे हैं, जला रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना, संसार दावा लल लीर लोक त्रणाय कारण्य गणना गणात्म प्राप्त सकल्लान गुनर नवस्यम वंदे गुरुषि चरणारविंदम। तो गुरुदेव हमको कृष्ण के सेवा में नियुक्त करते हैं, और कृष्ण के कृपा गुरु के माध्यम से हमारे जीवन में वर्षित होता है, कैसे उस बारिश के जैसे, जहाँ पे दावानल लग गया है, आग जल रहा है, हम लोग कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, और वो कृपा का बारिश जब हमारे ऊपर वर्षित हो रहा है, उसके माध्यम से हम लोग तृप्त हो रहे हैं और उस आग के प्रभाव से मुक्त हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण क्या करते हैं, वैसे ही हम सभी के हृदय से ये सभी पाप, दुराचार, प्रवृत्तियाँ, मिथ्या अहंकार आदि को ग्रास कर लेते हैं अपने अंदर। हरी वाह। तो यहाँ पे हम लोगों को भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे हृदय में ये जो अनर्थ, जो दुष्ट प्रवृत्तियाँ हैं, इन सबको हे प्रभु कृपा करके आप ले लें और हमको इनसे मुक्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भांडी बिहारी भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रह्मा जी की जय, अनंत कोटि गोपीगण की जय, अनंत कोटि गोप सखागण की जय, धेनुवत्सगण की जय, वृंदावन धाम की जय, भांडीरवन की जय, जगत गुरु श्रील प्रपाद प्रमाणा गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग थोड़ा दर्शन करेंगे यहाँ पे भगवान के विग्रहों का। ये जी तो रहते बहुत ही अच्छा नहीं है, इसमें देखा ना फोटो किसने आते होते हैं और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna. ये भगवान का विवाह स्थली देखिए लिखा है मंदिर श्री दाऊजी महाराज प्रलम्बासुर व्रत उद्धार तो प्रलम्बासुर को यहाँ पे मारे थे और यहाँ पे वो प्राचीन मंदिर है जहाँ पे भगवान का विवाह हुआ था लिखा है देखो प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली भगवान का विवाह तो वत्सासुर को मारे थे उसके बाद भगवान इस पवित्र कुंड में नहाए जो अपने बांसुरी से बनाए थे ये वेणु कूप और इधर पीछे जो मंदिर हम लोग देख रहे हैं विवाह स्थान और प्रलम्बासुर को भगवान वध किया